हरियाणा में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। प्रचार के इसी क्रम में रविवार को गन्नौर के राजपुर गांव में कांग्रेस की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के पक्ष में जोरदार प्रचार किया और जनता से वोट मांगे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप शर्मा के समर्थन में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन इतने खराब हो चुके हैं कि वो मरम्मत के लायक भी नहीं बचे हैं। दरअसल 5 साल तक मिलकर प्रदेश को लूटने के बाद बीजेपी जेजेपी ने चुनाव से पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए समझौता तोड़ दिया है, लेकिन अंदरखाने इनकी मिलीभगत चल रही है, जिसे जनता समझ चुकी है। जब देश की सारी बीजेपी के निशाने पे हम हैं और ये गन्नौर हलका हमारा घर है, तो भाई आप हमारे घर में हमारी कमर मत लगने देना। मैं आज आपके बीच में कहने के लिए, ये जो साजिश करता है, जो बीजेपी के हिसाब ने देखा होगा खट्टर साहब का बयान, फतेहाबाद से 4 दिन पहले का बयान, और वो ये बयान है कि पिछली बार तो दुष्यंत चौटाला हमारे साथ आ गया था, हमारी सरकार बना दी, क्योंकि आपको याद है दुष्यंत चौटाला भी ऐसे आया था पिछली बार ये कहेंगे कि बीजेपी को करो जमना पाए, मगर जैसे ही उसके 10 MLA आगे जाके बना दी बीजेपी की सरकार और बन गया खट्टर साहब का पक्का यार। और इस बार उन्होंने कहा खट्टर साहब ने परसों 3-4 दिन पहले फतेहाबाद में कि इस बार हमने कई निर्दलीय उतारे हैं जो कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे, कई निर्दलीय, ये तो कह के आपको ठग रहे हैं, कह के आपको ठग रहे हैं। ऐसी गलती मत करना, मैं कहना चाहता हूं ऐसी गलती मत करना कि सदियों तक पीढ़ियों तक उसका पछतावा रहे, ऐसी गलती मत करना। बड़ी मुश्किल से ये 10 साल आपने मंजर देखा है, 10 साल बीजेपी ने कितना नुकसान किया हरियाणा का, 10 साल इस बड़ी मुश्किल से इस संघर्ष के बाद, 10 साल के बाद ये मौका आया, आपकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी को तो करना ही करना, बीजेपी को साफ, लेकिन बीजेपी से भी ज्यादा इन वोट काटों को मत करना, माफ ये कहा जाता है बीजेपी के इशारे पे आए हैं तो भाई इनका समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आप ये बताओ भाई यहां से बड़ी जीत दिलवाओगे कि नहीं जीत दिलवाओगे। और ये भी बात तय है, जीत तो आपकी निश्चित है, जीत तो हो चुकी है गन्नौर हल्के से, लेकिन बड़ी जीत होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो जो 30,000 वोटों से जितवाएंगे जी, देखो भाई देखो बड़ी इसलिए होनी चाहिए कि एक तो डबल इंजन था खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, फेल हो गया कि नहीं हो गया, इंजन रह गया, डब्बे इधर उधर हो गए, और एक डब्बा यहां भी गन्नौर में भी घूम रहा है खट्टर का, यही बात है ना, 10 साल मलाई खा गई थी 10 साल। और भाई ईद जब हमने लड़ाई लड़ी, न्याय तो हमारे साथ होना चाहिए, न्याय अन्याय 10 साल बीजेपी की तानाशाही तक सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी उठा साथ पे तो है, निशाना साधने पे, मेरे को निशाने पे लेने पे, और ईद मलाई खा गए, इंजन रह गया भाई खट्टर का, एक डब्बा मलाई मुलाई लेके अपना वो डब्बा इधर आ रहा भाई गन्नौर में उसका, तो मगर ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को जनता में उमड़ रहे रोष का पता है, इसीलिए उसने साजिश रचकर इस बार फिर से वोट काटू पार्टियों और निर्दलियों को चुनाव में उतारा है, मतदाताओं को खास तौर पर इनसे बचकर रहना है। वहीं रोजगार के लिए डंकी रूट से विदेश की ओर पलायन का मुद्दा उठाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी से त्रस्त प्रदेश के युवा हताशा में अपनी जमीन जायदाद बेचकर लाखों रुपए कर्ज लेकर डंकी रूट से अवैध तरीके से विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है मिलकर इस तानाशाही सरकार को बदलने का। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।